हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची एवं भाग और एवं संसद के बारे में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं, आप भी गवर्नमेंट एग्जाम IAS PCS SSC या करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम इम्पोर्टेंट जो हैं, जो एग्जाम में आते रहते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, पूरे नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। तो देखिए, जो 5वीं अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। मतलब जो जहाँ पे ट्राइब्स लोग रहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र है ना, उनका मतलब प्रशासन किस प्रकार से चलेगा, इसका विश्लेषण इस अनुसूची में, कौन सी में, 5वीं में, ध्यान रखना। ये IAS 2015-16 में, आज 15 में आ चुका है ये। और 6वीं अनुसूची, इसमें असम, इसमें क्या है, ये जो 4 राज्य है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम स्टेट की जनजाति जो ट्राइब्स वाले एरिया है ना, उनके प्रशासन का उल्लेख है स्पेशली, ठीक है, कौन सी में, 6वीं में। आठवीं अनुसूची में जो भारतीय भाषाएं ना, 22 भाषाएं हैं, उनका उल्लेख है, कौन सी भाषा मतलब भारत में मान्य है या किसको भारतीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो यदि मतलब किसी भाषा को भारतीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया जाता है, तो मतलब उसको 8वीं अनुसूची में डाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आती है अपनी 9वीं अनुसूची। ये क्या है, ये भारतीय संविधान में मतलब 8ही अनुसूची थी, ये बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बात इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, तो इसको क्या किया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ये इसमें है, ये संशोधन के द्वारा 1951 के आसपास ही जोड़ी गई थी, ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची, इस ये क्या है, ये 52वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ये राजीव गांधी जी ने मतलब ऐड की थी। ये इसमें क्या है, दल बदल, यानी कि जो किसी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं ना, तो वो पहले क्या होता था, ये मतलब बहुत काफ़ी राजीव गांधी जी भी परेशान हो गए थे। मतलब कई बार क्या रहता था, किसी राज्य में दूसरी गवर्नमेंट है, सुबह पता चला और दूसरी सरकार की, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट हो गई। तो अभी क्या है, पहले क्या था, 1/3 सदस्य यदि किसी पार्टी के, जब तक जैसे 33 MLA हैं माना BJP के, यदि उनमें उनमें से यदि जब 11 MLA यदि कांग्रेस में चले जाएंगे, तो पहले उनको मान्यता प्राप्त हो जाती थी, ठीक है। मतलब पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले मान्यता इसके राजीव गांधी जी ने किया था, 1/3 सदस्य यदि किसी पार्टी की दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनको मान्यता मिल जाती है। लेकिन उसके बाद 2/3 हो गया है, मतलब जब तक 2/3 यदि कि 100 में से 66 मेंबर यदि एक पार्टी की दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, तब तक तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी, और उसका वैसे उसका डिसीजन स्पीकर करता है, ध्यान रखना। तो ये दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची राजीव गांधी जी ने जोड़ी थी, ध्यान रखना, कांग्रेस सरकार ने। अब बात करते हैं 11वीं, इसमें क्या, 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई है, जिसमें के जो पंचायती राज्य है ना अपना, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है इसमें, इसका उल्लेख है, कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। और एक और बात मैं बता दूं आपको, ये 29 विषय ऐसे हैं जिन पे मतलब पंचायती राज्य को अधिकार मिलने हैं, अभी तक मिल नहीं पाए हैं, तो ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से। और दोस्तों, 12वीं अनुसूची है, जो नगर निगम, नगर पालिका वगैरह रहते हैं ना, उनके सुशासन के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया, ये भी बाद में जोड़ी गई है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये तो ही हमारी अनुसूची। अब बात करते हैं भाग मतलब पार्ट, देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में ही बात करें, तो दोस्तों जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है, ये 5 से 11 अनुच्छेद तक है, ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक। तो जैसे ये आ सकता है कि नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान कौन सा पार्ट है, तो 2 में, ठीक है, 2 में। इसी प्रकार से सेकेंड जो थर्ड पार्ट है जो, तो इसमें क्या है, थर्ड तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार मिले हैं ना अपने को, उनको जैसे धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार, तो ये सब जितने अधिकार मिले हैं ना अपने को इस, ये थर्ड पार्ट में संविधान के, और ये कितने 22, 12 से 35वें अनुच्छेद तक हैं। फिर जो चौथा अनुच्छेद है ना, ये नीति निर्देशक तत्व से, इनको अपन गांधी बांधी मतलब सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो गाय वाला मसला है, या फिर जो कृषि वाला मसला है, या फिर जो हमारा समाजवादी जैसी मतलब अपना देश है ना, तो ये जो पूरा है ना, ये नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है। तो मतलब नीति से तत्व तो कोई कानून नहीं है, मगर इनको देख के ही हमारे देश के कानून बनते हैं। जैसे रिजर्वेशन भी एक तरीका से इसी का ही है, रूप है, इसी के देख कर ही बनाया गया है। इसमें मतलब ये दिया गया किस वर्ग के लिए क्या किया जाए, गाय के बारे में भी इसमें दिया है कि मतलब हो सके तो उसकी नस्ल को डेवलप करें,
ऐसा वैसा, पर्यावरण के बारे में भी ये सब दिया है, ठीक है। तो ये 36 से 51वें अनुच्छेद तक इसमें डिस्कशन किया गया है, ठीक है। चौथे, अब पांचवें भाग में जो निर्वाचन होते हैं ना, निर्वाचन से संबंधित कुछ भी जानकारी पूरा डिस्कशन 15वें भाग में दिया गया है, जो 324 अनुच्छेद से 329वें अनुच्छेद तक है, ध्यान रखना। अब जो राजभाषा, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा नहीं है ये हिंदी, राजभाषा है, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी भाषा है, गवर्नमेंट कार्य करेगी तो हिंदी में कर सकती है, ठीक है। ये 17वें अनुच्छेद में है, 17वें भाग में सॉरी, और ये 343 से 351 तक इसमें उल्लेख है, ध्यान रखना। अब बात आती है 18वें अनुच्छेद, ये 18वां अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, जब मतलब देश में देखिए तीन प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं, देखिए एक तो वित्तीय इमरजेंसी, और एक जो इंटरनल इमरजेंसी, और जो मतलब देश में आंतरिक स्थिति खराब हो, और तीसरा रहता है राष्ट्रपति शासन। और जो इंटरनल इमरजेंसी लगती है दो प्रकार से, यदि एक तो मतलब कोई दो तीन प्रकार, दो प्रकार थे, एक तो सैन्य विद्रोह, एक और था जैसे कोई दूसरा देश आक्रमण करते, एक आपने देखिए। तो ये 352 से 360 तक, ठीक है। 356 आपको मालूम ही है कौन सा लगता है, 356 पे ये राष्ट्रपति शासन वगैरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मतलब इंदिरा गांधी जी के बाद फिर मोरार जो गवर्नमेंट आई थी ना, मोरारजी देसाई वगैरह वाली शायद, जिनकी भी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने मतलब इसमें काफी कुछ सुधार कर दिए थे बाद में, मतलब ठीक है। अब बात करते हैं 20वें भाग की, देखिए संविधान, ये इसमें क्या है, जो संविधान में संशोधन होता है ना, 368वें अनुच्छेद के तहत, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ध्यान रखना कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, भारतीय संविधान में ये संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया भाग 20 में है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम पार्लियामेंट की, संसद की, ठीक है। देखिए जो भारतीय संसद है ना, उसके तीन हिस्से हैं, वैसे पब्लिक कुछ स्टूडेंट्स मतलब यदि बुक, अच्छी बुक नहीं पढ़ो तो छोटी मोटी बुक में दो ही पार्ट दिए रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन देखिए राष्ट्रपति भी संसद का अंग होते हैं एक, ठीक है। अब मतलब कुछ लोग मीडिया को भी बोलने लगे हैं, लेकिन मीडिया अब बोल सकते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, देखिए लोकसभा है ना ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, यानी कि जो मतदाता है ना 18 साल से ऊपर वाले या 18 साल के, तो वो इसमें वोट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष हो गया डायरेक्ट, और इसमें 545 रहते हैं, जिसमें दो दो मतलब मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और ये अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग हो सकता है, ध्यान रखना। और इसमें क्या है, ये आप ये एक या एक से अधिक जिलों से एक सदस्य चुनकर जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा आपको मालूम है ये मतलब इस टाइम ये मतलब प्रत्यक्ष हम थोड़ी चुनते हैं, ये तो जो राज्यों के जो विधायक रहते हैं ना उन्हीं से चुनकर आते हैं, उन्हीं में से चुने जाते हैं, ठीक है। तो वही लोग चुनते हैं, ये स्थायी है, और इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब जो राष्ट्रपति हैं, अब आपको मालूम है कि राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं करते, ये इनडायरेक्ट किया जाता है, मतलब हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा मतलब विधायक और एमएलए इनका चुनाव करते हैं, और ये एकल संक्रमणी मतलब उसके द्वारा होता है, इसमें मतलब कहने का मतलब ये 50% से ज़्यादा जब तक वोट नहीं मिलेंगे तब तक ये राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, ठीक है। वो उसकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में एक अलग वीडियो बन सकता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाता है ना, तो वो किसी भी दल का मतलब समर्थन नहीं कर सकता, वो पूरे देश का राष्ट्रपति हो जाता है। लेकिन जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रहते हैं ना, वो एक पार्टी से, किसी पार्टी से हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के भाग और ये अनुसूची और संसद के बारे में कुछ आपको बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।